देश का बजट जिस पर एक गरीब मिडिल क्लास और बड़े से बड़े बिजनेसमैन की नजर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे पर सबकी नजर रहने वाली है। ये बजट जल्द ही वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाएगा। इस बार के बजट को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद का ये बजट अब महज कुछ दिन ही दूर है। 2024 के आम चुनावों से पहले पेश होने वाले बजट में टैक्स एक्सपर्ट्स उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बजट में सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट में ATC की लिमिट को बढ़ा सकती हैं। दरअसल सभी टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा टैक्स में ATC के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट पाने के लिए टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश करते हैं। नौकरी पेशा इस लिमिट को 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही PPF में निवेश की लिमिट को सरकार बढ़ा सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बार टैक्सेबल इनकम की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा नौकरी पेशा लोगों और छोटे कारोबारियों को मिलेगा। वर्तमान में 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 60 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को 3 लाख रुपए और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। अगर इस बार 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जा सकता है तो आपकी सालाना इनकम 5 लाख तक होने पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा। बता दें कि पिछले 9 वर्षों से आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका है। आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया था। ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का पहला आम बजट था। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बार नए टैक्स सिस्टम में होम लोन के ब्याज पर भी छूट मिल सकती है। 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले इस बार के बजट पर सब टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि मोदी सरकार का ये बजट आगामी 2024 में भाजपा के लिए रास्ता बनाएगा।